हेलो बच्चों, मैं हिंदी टीचर। इसके पहले हमने आपको दिखाया था पक्षियों के नाम, बर्ड्स, चिड़िया, जिसे हम घर में पालते हैं। आपको आपने तो देखा होगा, घर के सामने या थोड़े पक्षियों को हम घर में भी पालते हैं या हम जाके चिड़ियाघर में भी देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे पक्षियों का जो हम जिन्हें हम घर में तो नहीं पालते हैं लेकिन हम उसे देख सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा ये क्या है, कठफोड़वा, जो वुडपिकर। उसके बाद देखिए ये सारस, ये भी एक पक्षी है जो दिखते हैं आपको। और यहाँ पे देखिए गिद्ध, जो हमेशा जंगल की तरफ ही रहता है, आसपास नहीं दिखेगा आपको, या आकाश में उड़ते हुए दिखते हैं। उसके बाद कोयल, कोयल भी हमें दिखते हैं मगर हम उन्हें घर में नहीं पाल सकते हैं। तो आज हम देखेंगे पक्षियों को। आप जब चिड़ियाघर जाते हो ना, तो बहुत सारे कलरफुल तरह तरह के रंग वाले पक्षी आपको दिखते होंगे। पक्षियाँ जब भी एक साथ रहते हैं वो लोग, तो एक साथ ग्रुप में कहीं भी उड़ते हैं या घूमते हैं। तो आज हम इन्हीं को देखेंगे कि मिसिंग लेटर्स के जैसा आपको उन्हें लिखना है। आप ये तो आप शायद जानते ही होंगे। या देखिए पिकॉक, पिकॉक हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पक्षी को हम न क्या कहते हैं, पिकॉक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मोर। तो आज हम देखेंगे बच्चों कबूतर कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए पक्षियों का नाम हम पूरा करो, मतलब डैश में आपको लिखना है। जैसे देखिए फर्स्ट वन हम लिखेंगे, ये क्या है, क डैश त र, क ब में ऊ की मात्रा बु, त र कबूतर, स में आ की मात्रा सा, डैश श, क्या होगा, सारस। ओके, जिसे क्रेन कहते हैं। देखिए उसके बाद थर्ड वन देखिए, यहाँ पे ता में ओ की मात्रा ता, तो उसके बाद डैश में क्या लिखना है, ता, तोता। क में ओ की मात्रा को, या ला, कोयल। इनकी आवाज भी आपको बहुत पसंद है ना, ये कब गाती है ज्यादा, वसंत ऋतु में। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कठ फोड़वा, क ठ कठ फो ड़ व में आ की मात्रा, कठ फोड़वा। ठीक है, तो इन्हें हमें डैश में क्या लिखना है, फ। उसके बाद देखिए सेवेंथ वन गिद्ध, वल्चर, ये आपको दिखता है बहुत कम, और अगर दिखेगा भी तो जंगल में या बहुत आसमान में आकाश के ऊपर उड़ते हुए दिखता है। गिद्ध डैश धा, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, गिद्ध, इसे हम कहते हैं गिद्ध, वल्चर। उसके बाद देखिए और भी बत्तख, बत्तख कहाँ रहता है आपको पता है ना, पानी में, ज्यादातर ये पानी में रहते हैं, उनके अंडे भी थोड़े लोग खाते हैं, पसंद से खाते हैं, बत्तख, बत्तख, बत्तख। उसके बाद देखिए यहाँ पे चील, चमे ई की मात्रा ची डैश, यहाँ पे क्या लिखना है, चील। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने कौन सा पक्षियों का नाम लिखाया है और डैश में क्या क्या हमें लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हमने, म में ओ की मात्रा मो, और डैश में क्या लिखना है फिर हमको, रा, मोर। टेंथ वन देखिए आप यहाँ पे चिड़िया, चिड़िया किस तरह से लिखना है, च में ई की मात्रा ची डैश या में आ की मात्रा या, इसे चिड़िया हम कहते हैं। स्पैरो को, जो हमारे घर के सामने छोटे छोटे बर्ड्स घूमते रहते हैं ना, उन्हें हम चिड़िया कहते हैं। उसके बाद देखिए क में औ की मात्रा कौ डैश, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आ, कौआ। ट्वेल्थ वन देखिए यहाँ पे हमें और बुक्स में हमारे पास क्या है, आप यहाँ पर देखिए, मा में ऊ की मात्रा मू, र, ग में आ की मात्रा गा, मुर्गा। तो यह है कबूतर,
पक्षियों का नाम मिसिंग लेटर्स हमने जो लिखाया है इन्हें आप क्लास वर्क में लिखेंगे और पढ़ेंगे, जैसे कबूतर, सारस, तोता, कोयल, कठफोड़वा, गिद्ध, बत्तख, चील, मोर, चिड़िया, कौवा, मुर्गा। और सेम इसी तरह देख के होमवर्क भी वन टाइम लिखेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।